वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल। आज हम लोग जनरल साइंस सीरीज में नया टॉपिक पढ़ेंगे, जेनेटिक्स यानी अनुवांश की। इसके पहले हम लोगों ने सेल पढ़ा यानी कोशिका के बारे में पढ़ा, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको पढ़ा, क्या फंक्शन करते हैं वो पार्ट्स उनके बारे में पढ़ा। अब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं अनुवांशिकी की। जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, ये एक तरह से एक बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम अगर हम बायोलॉजी को और एक्सपेंड करें तो उसके अंदर भी कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, इसी तरह से एक जेनेटिक्स भी एक ब्रांच है। तो जेनेटिक्स बेसिकली किसके साथ डील करती है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच विच इज डील विद द हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हमें पता होना चाहिए, हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होती है, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, और इसी स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी हिंदी में कहते हैं इसको। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जीन। सबसे पहली बात तो जेनेटिक्स, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीन क्या होता है, जेनेटिक कोड किसने डिस्कवर किया, क्रोमोसोम क्या होते हैं यानी गुणसूत्र क्या होते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, और डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इस वीडियो में आखिर तक आप लोगों को सारी जानकारी हो जाएगी कैसे जेनेटिक्स काम करता है, क्योंकि कई बच्चों को समझ में अभी तक नहीं आता है कि जेनेटिक्स है क्या। अनुवांशिकी और जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी में जो बहुत ही डिफिकल्ट है। बच्चे कई बार किताब पढ़ते रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, सिर्फ रटते हैं, आंसर लिखाते हैं, तो उससे सिर्फ मार्क्स मिलते हैं लेकिन नॉलेज नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको समझना है, और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स एक ब्रांच है जो हेरिडिटी के साथ, हेरिडिटी से रिलेटेड स्टडी है। ठीक है, और हेरिडिटी क्या है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक्स जो नाम है ये किसने दिया था, सबसे पहले डब्ल्यू वॉटसन ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, आप लोगों को ये याद करना है, डब्ल्यू वॉटसन अगर पेपर में आ जाए तो आप कभी भूले ना। ठीक है, नोट्स आप बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमारा माइंड 2 से 3 बार रिकॉल कर लेता है कोई भी टॉपिक। तो जेनेटिक्स का जो टर्म है वो किसने दिया था, डब्ल्यू वॉटसन ने दिया था। इसके बाद हम जीन की बात करें तो जीन क्या होता है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट होता है। इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमने सेल पढ़ा था यानी कोशिका पढ़ी थी, कोशिका के अंदर कई सारे पार्ट्स थे, सेल ऑर्गेनेल्स थे, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं हम उनको जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। उस ऑर्गेनेल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था न्यूक्लियस। आप लोगों को याद हो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, तो आप कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को मैंने एक बहुत ही सिंपल लाइन में बताया था, व्हाट इज न्यूक्लियस। ठीक है, आप कमेंट में लिखिएगा बाकी मैं न्यूक्लियस बताऊं तो न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी सेल को कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक जाल होता है धागे का, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमेटिन होता है। उस क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम्स। उसी क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमोसोम्स। और उस क्रोमोसोम्स से हम डीएनए बनाते हैं, और उस डीएनए, मतलब डीएनए क्या है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए को मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर से। तो डीएनए का मान लो जीन समझना है, तो जीन्स क्या है, जीन्स एक पार्ट है डीएनए का। मान लो ये मैं डीएनए का फिगर बना रहा हूं इस तरीके से, आप लोग देखा होगा डीएनए का फिगर कैसा होता है, किताबों में देखा होगा, इमेज देखी होगी। तो डीएनए का फिगर एक तो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी उसमें मैं और अच्छे से आप लोगों को बताऊं तो जिस तरीके से सीढ़ी होती है, लैडर, सीढ़ी देखी होगी आप लोगों ने, सीढ़ी होती है उसके दोनों साइड होल होते हैं ऐसे, ठीक है, उसमें स्टैंड होते हैं इस तरीके से। अगर मैं इस सीढ़ी को रोल कर दूं किसी पोल को लेके, यानी एक पोल बनाया मैंने इसका, ये इस तरीके से एक पोल है, इस पोल पे यदि मैं रोल कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए होता है। ठीक है, इस डीएनए में ये क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और ये बहुत ही, डीएनए कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सेल कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और उन सेल के अंदर डीएनए है,
तो जो डीएनए है वो बहुत ही, उसका कोई एंड नहीं है, डीएनए का कोई एंड नहीं है, कितना उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उसकी एक जो पर्टिकुलर यूनिट होती है उसको हम जीन्स बोलते हैं, ठीक है। और जीन्स को मैं समझाऊं कैसे, तो जो डीएनए होते हैं उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, यानी कि ए टी जी सी, है ना, ए टी जी सी। ए के साथ, ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाता है, वो भी डबल बॉन्ड के साथ। ए फोर होता है एडिनाइन और टी फोर होता है थायमिन, जी फोर होता है गुआनाइन और सी फोर होता है साइटोसिन, ठीक है। ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ए के साथ हमेशा डबल बॉन्ड, ए और टी हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन करेंगे, जी और सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अगर मैं इसको यहां ए लिख दूं, यहां टी लिख दूं, यहां जी लिख दूं, यहां सी लिख दूं, और ये साइकिल ऐसी चलती रहे, यहां फिर से टी लिख दूं और यहां फिर सी लिख दूं, टी के साथ क्या होगा, ए। याद रखना, टी के साथ कौन बॉन्ड बनाता है, ए, और सी के साथ कौन बनाता है, जी। तो ऐसी ही साइकिल चलती रहेगी। अब मान लीजिए मैं डीएनए का एक वो बताता हूं, ए टी जी सी, ए टी सी जी, ए सी टी, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मतलब ये कोई रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है कि आप इसमें वो ढूंढ लोगे कि इसके बाद क्या आएगा, ऐसा नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या आएगा। ये तो एक यूनिट है, एक पर्टिकुलर यूनिट है, और उस एक पर्टिकुलर यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर यूनिट को एक हम जीन बोलते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट, इस पर्टिकुलर यूनिट डीएनए की को हम जीन बोलते हैं। और जीन ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, जीनोटाइप्स के लिए। जीनोटाइप्स क्या होता है, ठीक है, जीनोटाइप्स क्या होता है, जीनोटाइप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जीनोटाइप। यही जीनोटाइप शो करता है कि हम एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। आज इंडिया सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन में और चाइना फर्स्ट नंबर पे है, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हम लोग इतने भिन्न भिन्न है, मेरे साथ कोई खड़ा है तो उसका अलग हाइट है, मेरा अलग हाइट है, उसका अलग कलर है, मेरा अलग कलर है, उसके हेयर अलग है, उसकी आंखें अलग है, तो ये सब चीजें क्या है, यही जीनोटाइप्स है, ठीक है। जो जीन ये डिस्क्राइब करे एक दूसरे में फर्क, वही जीन है, और उन टर्म को जीनोटाइप्स कहते हैं। जैसे किसी की नाक अलग है, किसी के लिप्स अलग है ना, किसी के हाइट अलग है, तो किसी के कलर अलग है, तो ये सब चीज क्या है, जीनोटाइप्स है, ठीक। और ये सब कैसे होता है, इस जीन्स के कारण, इस पर्टिकुलर इतनी सी यूनिट के कारण। तो हम जीन को और क्या, इसमें डेफिनेशन क्या लिखी, जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट डिटरमाइन द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक। जीन क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जो डिटरमाइन करता है इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसके बाद मैं बात करूं कि जीन का टर्म जो है वो किसने दिया था, जोहान्स ने दिया था। ये आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार आया हुआ है कि जीन टर्म को किसने पॉइंट किया था, तो आप लोगों को याद रखना है, जीन टर्म पॉइंट बाय जोहान्स। और एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है हमारे भारत के मेडिसिन में, जिनका नाम हर कोई जानता है, हरगोविंद खुराना। ये हरगोविंद खुराना आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, इसको आप 3 बार 4 बार रिपीट करिए कि जेनेटिक कोड किसने डिस्कवर्ड किया था, अरविंद खुराना ने, और इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज इस चीज के लिए, इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, हरगोविंद खुराना को। ये भारत के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आपको याद रखना है। अगली बात करता हूं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की। गुणसूत्र क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या होता है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन लिपिड एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा बना हुआ है, ये इस टाइप का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम होता है, ठीक, ये थ्रेड की तरह बना हुआ होता है, और ये क्रोमेटिन और प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और फिगर होता है क्रोमोसोम का, मैं बताता हूं, तो इस तरीके का ये फिगर है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, कि इसमें जो ये पार्ट होता है जो बीच से डिवाइड करता है क्रोमोसोम को, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। और जो ये पार्ट होता है कॉर्नर का, मतलब एंड का पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं टीलोमियर। इसको याद कैसे करना है, इसको याद ऐसे करना है, क्योंकि टेल क्या होती है, पूंछ होती है, किसी चीज की पूंछ कहां होती है, आखिर में होती है, तो ये पार्ट कहां है, आखिर में है, तो ये क्या होगा, टीलोमियर।
और ये पार्ट क्योंकि सेंटर में है तो इसीलिए इसको हम याद रखेंगे सेंट्रोमियर से, ठीक है, टीलोमियर और सेंट्रोमियर, ये है क्रोमोसोम्स का, और ये थोड़ा थ्रेड की तरह है, तो ये क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम होता है। इसका नाम किसने दिया था? वोल्डेयर ने दिया था। ये आप लोग नोट कर लेंगे, क्रोमोसोम का नाम किसने दिया था? वोल्डेयर ने दिया था, ठीक है। क्रोमोसोम आप लोग समझ चुके होंगे, और मैंने पिछली क्लास में भी क्रोमोसोम के बारे में बहुत कुछ बताया था, तो आप लोग पुरानी क्लास पर जाकर, जो लोग अभी नए आए हैं वो पिछली क्लास पर जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं क्रोमोसोम को। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जोहान मेंडल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और जब हमें आजादी मिली नहीं थी उस समय इनने ये लॉ दे चुके थे, ये सिद्धांत दे चुके थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या दिया था इनने? चार प्रकार के लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड, लॉ ऑफ पेयर्ड एंड लॉ ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने दिए थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि यही वो व्यक्ति थे जिनने हमें बताया कि हमारे अंदर कैसे हम एक दूसरे से अलग हैं, और कैसे हमारे अंदर हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है या फर्स्ट जनरेशन है उसके कैरेक्टर हमारे अंदर आए हैं, ये इन्होंने ही बताया थे, ग्रेगर जोहान मेंडल ने, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, ये इनने बताया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। हम क्रोमोसोम्स पे वापस आते हैं, क्रोमोसोम पे वापस आते हैं, तो क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में कितने पाए जाते हैं? ये मोस्टली सब लोगों को पता होता है, क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर 46 पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम। और अगर मैं जोड़े की बात करूं तो 23 जोड़े के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में होते हैं, यानी हमारे अंदर कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं, जिनमें से 22 को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसम बोलते हैं। जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम, क्योंकि वो क्या होते हैं? सेम होते हैं दोनों में, मेल और फीमेल में, ठीक है। और जो एक और एक्स्ट्रा होता है, इनको क्या बोलते हैं? पहले तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। और जो एक्स्ट्रा पेयर होता है एक, यानी 23rd बोलेंगे उसको, 23rd वाला जो 23rd, याद रखना, जो 23rd पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। यही डिफाइन करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, यानी मेल होगा या फीमेल होगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो अब मैं समझाऊंगा कैसे ये डिसाइड होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कभी भी ऐसी चीज होती है कि किसी दंपति को या किसी कपल को बच्चियां ही बच्चियां होती हैं, तो कई जगह आज भी रूढ़िवादिता है, वहां पर क्या होता है कि भाई यहाँ बच्चे ही बच्चियां हो रही हैं, तो उसको लोग बॉयकॉट करने लगते हैं उस महिला को या उस परिवार, उसमें काफी लड़ाइयां होती हैं और डिवोर्स तक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार फीमेल नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेल है, क्योंकि मेल के अंदर जो 23rd पेयर होता है वो कौन सा होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मेल के अंदर वो कौन से होते हैं? एक्स वाई, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। हम समझते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है क्रोमोसोम्स। तो फादर के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम, मदर के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और ये कब होता है? जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल के साथ, मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है तब ये प्रोसेस होती है। तो हम समझेंगे इसमें एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स, ये किसके पास होता है? मेल के पास या फादर के पास, और एक्स एक्स फीमेल के पास, ठीक है। जब एक्स एक्स के साथ पेयर बनाएगा तो क्या बनाएगा? एक्स एक्स, एक्स एक्स के साथ बनाएगा तब भी एक्स एक्स, और एक्स वाई के साथ बनाएगा तो एक्स वाई। इस तरीके से ये फिर से एक्स एक्स हो गया, यहां भी एक्स एक्स हो गया यहां। तो जब एक्स वाई बनता है सेकेंड जनरेशन में तो क्या होता है? वो मेल होता है, और एक्स एक्स बनाता है तो वो डॉटर होती है। तो इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन समझ सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि मेल होगा या फीमेल होगा, ये तो हम लोग नहीं पता कर सकते, लेकिन बट हमें ये पता है कि अगर फीमेल हुई तो उसमें किसके थ्रू हुई है? वो एक्स के साथ एक्स क्रोमोसोम हुआ, और वाई के साथ एक्स हुआ तो मेल, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स है। आगे हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर सेल डिवीजन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन दो तरह इसके से होता है, एक मीटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय, ठीक है। समसूत्रीय, पहले मैं अर्धसूत्रीय बताता हूं। मियोसिस, जो मियोसिस प्रोसेस होती है वो बेसिकली किसमें होती है?
हम ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में, इनमें होती है, ठीक है। और जो अर्धसूत्रीय होती है उसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। क्या होता है, मीटोसिस और मियोसिस को मैं बहुत अच्छे से समझाऊं तो क्या होगा कि एक मीटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, सेल डिवीजन दोनों में हो रहा है, ठीक है, विभाजन दोनों में हो रहा है, मीटोसिस में भी मियोसिस में भी। लेकिन मीटोसिस में अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल के अगर 46 क्रोमोसोम्स है, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो इधर भी 46 और इधर भी 46 ही आएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। यानी 46 पेयर, अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो यहां भी 46 रहेंगे, यहां भी 46 रहेंगे। लेकिन मियोसिस में ये चीज नहीं होती है, मियोसिस का नाम ही अर्धसूत्रीय है। और मियोसिस कब पॉसिबल है, ये ओनली तभी पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन हो, तभी मियोसिस का डिवीजन होगा, है ना, जब मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन हो तभी मियोसिस की प्रोसेस होगी। ये मियोसिस का सेल डिवीजन दिखा, ये डायग्राम है, आप देखिए सेल डिवीजन कैसे हो रहा है मियोसिस का। और इसमें क्या होता है, जो ये होता है जिससे डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, ठीक है, जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, ठीक है। और जो ये बन के आ रहा है, दूसरे सेल बन रहा है, उनको हम बोलते हैं क्या, डॉटर सेल, ठीक है। ये नोट करते जाइए, ये होता है डॉटर सेल, ये भी डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है। मियोसिस में क्या होता है, ये पहले ही उसी तरीके से डिवाइड होंगे पेयर, ठीक है, जैसे 46 है तो ये 46 के 46 नीचे ट्रांसफर नहीं होंगे, अगर ये 46 है तो ये 23 में पहले ये हो जाएगा, ये 23 में हो जाएगा, उसके बाद यहां भी ये 23 रहेंगे और यहां भी ये 23 ही रहेंगे। और ये प्रोसेस कहां पर होती है, ये प्रोसेस यहां होती है रिप्रोडक्शन के टाइम, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कैसे क्रोमोसोम्स बराबर ही है, ठीक, ये एक्स वाई डिवाइड हुआ यहां पर, है ना, इसी तरीके से ये पहले ही डिवीजन हो जाता है इनमें, ये मियोसिस प्रोसेस है ना, एक्स वाई थे ये आधे आधे हुए, उसके बाद फिर से एक्स 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 वाई बना लिए, ठीक है। तो ये मियोसिस है, मियोसिस रिप्रोडक्शन होता है उसमें ही होता है पॉसिबल, ठीक है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, गैमिट्स, गैमिट्स क्या होते हैं, गैमिट्स क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, है ना, स्पर्म किसका गैमिट्स है, मेल का, और ओवम किसका है, फीमेल का, ठीक। तो ये गैमेट्स, इनको बोलते हैं स्पर्म और ओवम को, ठीक, स्पर्म एंड ओवम। जब ये फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है, तब गैमेट्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आगे हम बात करते हैं मीटोसिस को, और मैं बताऊं तो मीटोसिस क्या होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो जब छोटा सा बच्चा बड़ा होता है तो क्या उसके हाथ पैर वैसे ही रह जाते हैं जैसे छोटे में थे, ऐसा नहीं होता। हम लोग इतना बढ़ रहे हैं या हमारी ग्रोथ हो रही है इंटरनली, तो सेल अब डिवीजन हो रहा है हमारे अंदर, जो सेल डिवीजन हो रहा है, पहले एक सेल थे, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, ऐसे कर करके, तो वो मीटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। ये मीटोसिस प्रोसेस है और ये मियोसिस प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक्स क्या होता है, जीन क्या होते हैं, जेनेटिक कोड किसने डिस्कवर्ड किया, क्रोमोसोम क्या होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, किस चीज के ऊपर ने एक्सपेरिमेंट किया था, पी के ऊपर, यानी मटर के ऊपर, ठीक है। ये भाई को ऐसा लगा कि मटर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो इन्होंने मटर को लिया, क्योंकि मटर एक ऐसी चीज थी उस टाइम पे, इजिली अवेलेबल हो जाती थी, और इसका ड्यूरेशन जो होता था उगने का वो बहुत ही जल्दी हो जाता था, ऐसा नहीं कि हम भाई 6 महीने से 1 साल तक बैठे हैं, इसका बहुत जल्दी हो जाता था। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते थे, कई सारे कैरेक्टर थे, इसमें फूल भी होता है, इसमें फल भी होता है, इसकी हाइट भी होती है, ठीक है, कई सारे कैरेक्टर थे, तो इनको बहुत आसानी हुई इस पर एक्सपेरिमेंट करने में, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्हीं ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही बताया कि किस तरीके से एक दूसरे में कैरेक्टर पहुंचते हैं और कैसे डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की बात करूं मैं, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कई एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम हो, अभी एनटीपीसी या फिर एएलपी एसएससी कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, आरएनए का फुल फॉर्म बताइए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को समझने के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें हम समझेंगे। बाकी आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जेनेटिक्स क्या होता है, जीन क्या होता है, और इसको किसने नाम दिया, जोहान ने। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ग्रेगर जोहान मेंडल का नाम, जोहान का नाम, जीन क्या होता है, और सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, गैमिट्स किसे कहते हैं, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है गैमिट्स क्या है, तो इट इज द
फर्टिलाइजेशन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, इसको गैमेट्स बोलते हैं, जो मेल और फीमेल के जो वो होते हैं गैमेट होते हैं उनको ये बोलते हैं गैमेट्स। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।